अबे तुम लोगों ने ऐसी क्या हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ ली, क्यों मैच आ ही नहीं रहा है? अरे कुछ ना, छोटी माड़ी बात है, ऐसे कौन से भाई बहन में झगड़ा नहीं होता। आ गए आ गए। जिसे सॉरी बोलना चाहिए था वो तो है नहीं, क्या फायदा? अरे गुस्सा थूक दे। कीर्ति गई है डोली के साथ पार्लर में, वहीं से पार्टी में पहुंचेगी। आ बैठ। कहाँ बैठू दादी? अरे आजा ना, हो जाएंगे एडजस्ट। तू एक काम कर, तू मेरी गोद में आ। देख भाई, तेरी नई नई गर्लफ्रेंड बनी है और मुझे डर लग रहा है। अच्छा आजा। सुकू, वो पापा का फेवरेट सॉन्ग कौन सा था? पापा का फेवरेट सॉन्ग हाँ, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। उमेश यार क्या कर रहा है यार, मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, तो प्लीज मेरी कमर को लेकर बी केयरफुल, अगर उंगलियां छप गई तो मैं मम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगा। अरे आगे क्या था? कुछ रात अंधेरा, क्या सपना, सपने में आएगी, नहीं सपने में आएगी। बत्तियां बुझा दो। हाँ क्या बात है उमेश ब्रो, ये लाइन आपको जरूर याद है, बत्तियां बुझा दो। बत्तियां बुझा दो के नींद नहीं आएगी, बत्तियां बुझाने से भी नींद नहीं आएगी, बत्तियां बुझाने वाली जाने कब आएगी। शोर ना मचाओ वरना होने वाली भाभी आ जाएगी। यार हमें किस मोड़ पे ले आया। स्टेप वन बेंड, स्टेप टू गर्दन अप, स्टेप थ्री बिना दांत दिखाए स्माइल। चलो प्रैक्टिस करो। स्टेप वन, स्टेप टू। ओहो डॉली बेटा, पैर छूना नहीं है, सिर्फ दिखाना है कि तुम पेट छूना चाहती हो, और ज्यादा बेड ना ही हो तो अच्छा है। आंटी एक मिनट। आई, ये तुम्हारी मम्मी मुझसे इतना रूडली बात करके क्यों गई? हाँ तुम्हारा ब्लाउज बहुत डीप है, सब दिख रहा है। कहा? अरे है, अब इसीलिए तो मम्मी ने तुम्हें झुकने से मना किया। अच्छा तो तुम और तुम्हारी मम्मी दोनों मुझे अभी से कंट्रोल करना चाहते हो ना? देखो कान खोल के सुन लो, शादी के बाद हम जितने जल्दी डेस्परेट हो जाए ना उतना अच्छा है। तो अभी से डेस्परेट हूँ बटर स्कॉच तुम्हारे लिए। सॉरी सॉरी सॉरी, डेस्परेट नहीं, सेपरेट। और थैंक गॉड यार, शादी के बाद हम दोनों अलग रहने वाले हैं। क्या हम अलग रहने वाले हैं ना सुमित? बोलो। मम्मी आ रही हैं, बाद में बात करते हैं। ओके। वैसे तुम उन्हें पटाने के लिए कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं दे देती? हो गया प्रैक्टिस? मम्मी जी मैं तो भूल ही गई, आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ, आपका मेकअप कितना चौकी और पाउडरी है, इट्स वंडरफुल यू नो। है ना? वैसे तुम भी अच्छी लग रही हो। अब तो तुम दिल्ली आ रही हो, हुँ? साथ में रहेंगे, और तुम दोनों का कमरा भी रेडी करवा दिया है, और कमरे के बाहर नेम प्लेट भी लगा दिया है, कॉल्ड नेस्ट। क्या? जीते रहो। लीला जी आप तो अभी से हमारी डॉली को हमसे छीन रही है। ऐसी बात नहीं है, गोल्डन नेस्ट, इतनी सारी मिठाइयाँ, अरे इसकी क्या जरूरत थी, आज अब लेकर आ ही गए हैं तो हमारा ड्राइवर खा लेगा। वेटर इसको गाड़ी में रखो अच्छे से। अरे वर्मा जी नमस्ते नमस्ते, आइए आइए।
ये डॉली की सास एक मौका नहीं छोड़ती है। दादी आप लोग जाइए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। सुमित की पार्टी है, बहुत मजा आने वाला है। गुस्सा ठंडा हो गया थर। दादी मैं कीर्ति से बात नहीं करूंगा। अरे बड़ी तेरी बच्चा है के तू ऐसा काम दूंगी ना तने जो सबसे बात करनी पड़ेगी। क्या काम दादी? अच्छा जी भूल गया, अरे निशु का काम दिया था, अब इस बुढ़ापे में मैं ढूंढूं के छोरा उसके लिए। सॉरी दादी पर यहाँ पार्टी में। अरे बेटा पार्टी शादी ये सब मेल जोल के तरीके हैं, हैं? रिश्ता जोड़ने में मदद करते हैं। जय जिनेंद्र। आर राजी हो? चले। हाँ क्यों हंस रहे हो? वीरेंद्र भाई साहब को देखो, जिससे भी मिल रहे हैं डांट रहे हैं। जब से उन्हें पता चला है कि उमेश की गर्लफ्रेंड है, उनका बीपी बहुत हाई हो गया है। कल मुझसे कहने लगे, उमेश से मैन टू मैन बात करने के लिए कौन सी जगह ले जाऊं, जंतर मंतर? हे भगवान, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि लड़की जैन हो। क्या दीदी, और आप सब भी क्या बात कर रहे हो, जैसे वो कल ही डोली में बैठकर घर आ जाएगी। अरे भाई वो उमेश की दोस्त है, दुल्हन थोड़ी है। दोस्त वैसे दुल्हन बन जाएगी भाभी। उसके बाप का राज जो हो जाएगी। यहाँ पार्टी का इंतजाम ठीक से हुआ नहीं है और तुम लोग हंसी मजाक कर रहे हो, गप्पे मार रहे हो। रमेश केटरर कहाँ है? आ गए भैया, पीछे सामान सेट कर रहे हैं। अच्छा, और वो सुकेतु, वो कुछ फॉरेन ऑर्केस्ट्रा लाने वाला था ना। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। फॉरेन ऑर्केस्ट्रा कुब्रो, ये है आपका यूरोपियन ऑर्केस्ट्रा। यूरोपियन ऑर्केस्ट्रा बहुत बोरिंग था जॉलू, इसलिए मैंने सोचा उनके इंडियन कजन्स को ले आऊं। I'm sorry, डॉली, तुम चिंता मत कर, एक प्लान है मेरे पास। अच्छा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अरे कुछ महीनों के लिए मम्मी पापा के साथ रह लेते हैं, फिर हो जाएंगे। अच्छा? रहो बच्चों, शगुन तो लाया नहीं, बोलो तो कोल्ड ड्रिंक ला दूं? जी नहीं शुक्रिया। सब तुम्हारी वजह से, तेरी वजह से। बाद में लड़ ले। दादी। कैसी लग रही मैं? अरे दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे भगवान सदा तुम्हारी जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे, सच। नमस्ते जी। जय जी नरेंद्र लीला जी। आप अकेले? गंगवाल जी कहाँ हैं? कहीं बताऊं, उन्हें जल्दी सोने की आदत है, इस मारे नहीं आए, पर थारी बात करवा देती। उमेश अपने दादाजी से इनकी बात करवा दे, अपने वो वीडियो वाले फोन पे। उमेश। दादी मैं आता। हाँ जी लीला जी से बात करो। नमस्ते लीला जी, कहिए कैसी चल रही है पार्टी? पार्टी बहुत अच्छी है और आप लोगों ने इंतजाम भी बहुत अच्छा किया है। जी 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 जी। कुछ मेहमानों को देखकर आती हूँ, आपसे मैं वही घर पे आके मिलूंगी। जी जी जी। नमस्कार। हाँ जी, तो फिर आप विश्राम करो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।